अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ के बेबी को क्या डाइट दी जाए। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगी। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट बेबी था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी डाइट देनी है, क्योंकि मैं अकेले रहती थी, वहाँ पर मम्मी मेरे नज़दीक नहीं थे और मम्मी मुझे बोला भी करते थे कि इसको थोड़ा थोड़ा सा खाने की आदत लगा और उसको समझ में आएगा, टेस्ट पता चलेगा तो हैबिट होगी और वो यूज़ टू हो जाएगी उस टेस्ट के लिए। अदरवाइज़ अगर तू सडनली यू स्टार्ट करेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और बच्चा नहीं लेगा, और वैसे ही हुआ। मैंने उसको, मुझे नहीं पता था तो मैं उसको इतना केयर मतलब उसको खाने की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी। वो फीडिंग बॉटल से दूध पीती थी और उसका वही चलता था, और टू ईयर्स तक उसका वही चलता था। वो बहुत कम से कम खाना खाया करती थी, जिसकी वजह से मुझे आज भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो 4 ईयर्स की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन उसको खाना नहीं पसंद है। अभी भी उसको डांट कर डरा कर खाना खिलाती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट 6 मंथ के बाद उस पर खाने के लिए तवज्जो नहीं दी, फोकस नहीं किया कि खाना खा। एंड मैंने भी उसको नहीं खिलाया कि प्यूरी बनाकर कुछ नहीं खिलाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था एंड मेरा फर्स्ट बेबी था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने कहीं से नॉलेज नहीं लिया था। मुझे ऐसा लगता था बेबी खुद बड़ा हो जाएगा और खुद अपने आप खाने लगेगा, सेम गलती सब अपने आप हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे हेडेक हुआ मेरे फर्स्ट बेबी को फोर्स करना पड़ेगा, सेकंड बेबी में बेबी को डाइट कैसे करनी है, मैं एकदम प्लेन दाल, नो उसमें चिल्ली वगैरह कुछ नहीं, और जैसे प्यूरी बनाकर दे दिए, राइस एंड दाल की प्यूरी हो गई, या फिर सीजनल फ्रूट्स हो गए उनकी प्यूरी, पोटैटोज हो गए, या फिर वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट हो गई और स्पिनच हो गए, इनका ग्रीन पीस हो गए, आई मीन ऐसा सीज़न के हिसाब से देखकर। जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो बनाना नहीं देंगे या फिर एप्पल नहीं देंगे, बिकॉज समटाइम बेबीज़ को ऐसा होता है कि एप्पल की वजह से कफ भी होने के चांसेस होते हैं, तो वो ना देते हुए गर्म सीजनल फ्रूट देते हैं जो कि बेबी को फ़ायदा करे। और वो मैंने रिपीट नहीं किया, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट बेबी में उसे बस मिल्क पे वो रहती थी और खाना थोड़ा बहुत सा जस्ट ऐसे चूंटी के जैसा खाया करती थी कि बस हो गया, मुझे पेट भर के उसने कभी नहीं खाया है। तो उसे कॉन्स्टिपेशन होने लगा था, उसका डाइजेशन में उसे प्रॉब्लम होने लगी थी एंड उसकी ब्लड लेवल उसका कम हो गया था ओनली बिकॉज ऑफ वो खाना नहीं खाती थी। एंड वीक भी दिखती थी थोड़ी, बिकॉज बच्चे जब हेल्दी कब होते हैं, जब उनको अच्छी सी डाइट मिले और उनका पेट अच्छे से भरे। तो बस अपने बच्चों को ध्यान दीजिए सबसे पहले।